गंगा यमुना तहजीब के साथ देश और प्रदेश में धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाया गया। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में भी ईद का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। ईद के पावन मौके पर समाजसेवी शमसुल हसन वल्ली ने सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि भोपाल गंगा जमुना तहजीब का शहर है, यहाँ पर हर त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। रमजान के बाद मीठी ईद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से सब भाईचारे से मना रहे हैं। ईद के साथ साथ नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, इसी को देखते हुए यह त्योहार बड़े सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है। एक महीने से रमजान का जो महीना था, इबादत का महीना होता है, तो इबादत में मशगूल रहते हैं, तो अमन के लिए दुआ होती है, मुल्क की अमन अमान के लिए दुआ होती है कि सारे मुल्क में एक अमन हो, भाईचारा हो, ये दुआएं होती है। दुआ के साथ ईद का त्यौहार शुरू होता है, तो एक महीने पूरे मस्जिदों में तमाम जगहों पर इबादत भी है, तो यकीनन इससे मुल्क को जरूर फायदा पहुँचेगा। दूसरा, नवरात्रि चल रहे हैं, चेटी चांद था, पूरा महीना एक गंगा जमुनी जो हिंदुस्तान की तहजीब तमीज जो वो दिखने में आती है। हमने देखा पूरे महीने इबादत इधर भी चलती रही, बहुसंख्यक में और अल्पसंख्यकों में भी इबादत चलती रही, लेकिन हमने एक दूसरे से परहेज नहीं किया, साथ बैठे साथ रहे, अपने अपने रास्ते आए, मस्जिद तरसता है तो मैं मस्जिद चला गया, मेरे साथ वाले मंदिर तरसता है तो मंदिर चला गया। यही एक शहर की, इस प्रदेश की, इस देश की एक पहचान है। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को दिल की गहराइयों से ईद की, नवरात्रि की, चेटी चांद की, तमाम त्योहारों की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।